हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी जैसा कि आप जानते हो हर दिन सुबह 8 बजे से आपकी कक्षा 10 की मैथ होती है, लेकिन बच्चा आज थोड़ी सुबह दिक्कत हो रही थी, इस वजह से आपकी क्लास 10 बजे से हो रही। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 सवाल नंबर टू। हाँ, तो 4.2, तो देखिए 4.2 में आपने पहले सवाल तो पढ़ लिए थे, दूसरा तीसरा ये तो सब हो गया था ना यार, कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है ना। ये 4.2 तो पूरा हो गया था भैया, तो 4.3 पढ़ना है हम लोग को। हाँ 4.3, चलिए एक्सरसाइज डाल दीजिए। हमारे साथ पवन जी जुड़ चुके हैं, अनुष्का, सुधांशु, रूपम और कौन कौन है भाई, मनीष, सुषमा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। चलिए बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 4.3 टेंथ मैथ एनसीईआरटी वाली है, ठीक है। सवाल क्या कहता है ध्यान दीजिए, उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का मतलब आप जानते हो, पुष्पा प्रजापति जी बताइए, वही जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है उसी को द्विघाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए, लिखो उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए पहले मतलब समझो, जो सवाल एक में समीकरण दिए गए हैं उन्हीं समीकरणों के मूल आपको निकालना है सूत्र से, बस। क्वेश्चन नंबर एक में 4 सवाल दिए गए ना समीकरण, जिनमें कहा गया था कि आपको इन्हें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है, अब उन्हीं को सूत्र से लगाना है बस। द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, कौन सा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो यार, सवाल अगर लिखोगे समझने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात है भाई। मिस्टर पवन जी अभी अभी जुड़ रहे हो आप, चलो। तो बच्चा उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए मतलब उपर्युक्त, अब आप सवाल नंबर एक देखो, सवाल नंबर एक में पहला समीकरण है 2x² - 7x+3, तो चलो इसको लिख लो। इसका पहला पार्ट है 2x² + 7x+3 = 0, ये माइनस है ना यार, हाँ ये माइनस। अब क्या करना है हमें, इसका हल करके मान निकाल देना है, बस वेरी सिंपल सा, एकदम प्यार से निकाल दो। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो, बार बार नहीं लिखवाऊँगा मैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चा, तुलना करने पर। भाई समझ में आ रहा है मिस्टर प्रांजल, आ रहा कुछ समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। अर्जुन, पूजा प्रजापति, आ रहा है ना, तो हम इससे जब इसकी कंपेयर करेंगे ना बच्चा, तुलना करेंगे ना, तो वेरी सिंपल सा है, इसमें हमें मिल जाएंगे मान, किसके मान मिल जाएंगे, ए बी सी के मान मिल जाएंगे, और उन मानों को लेकर के हम लगा देंगे, बस हमारा उत्तर दौड़ के आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, ठीक है। आता है अंजलि, आपको आता है तो, लेकिन सबको नहीं आता ना, और भी कमज़ोर बच्चे हैं। तो तुलना करोगे तो देखो, मैं कंपेयर करना इधर बता देता हूँ, ax² + bx + c = 0 से क्या करना है बच्चा, इसकी कंपेयर करना है। समीकरण हमारा है जो कि जिसकी तुलना करना है 2x² - 7x + 3 = 0 है। देखो तुलना करने का ये मतलब है कि एक एक पार्ट को, जैसे x² 2x² bx 7x c और 3, इनको आपस में डिवाइड करेंगे। जैसे ax² की अगर तुलना हम 2x² से करें तो आपको दिख रहा है कि x² से x² कट जाएगा, तो बच्चा a और 2 बचेगा ना,
यानी जो ए का मान है वो दो मन बचेगा। समझ गए ना तुलना कैसे होती है? बात समझ में आ गई ना बच्चा लोग? तो इस तरह से इसकी आप कंपेयर करोगे तो दो आएगा ए का मान, इसमें करोगे तो बी का मान सात आएगा, चूंकि ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी का मान कितना आएगा? सात आएगा। अगर सी वाले की बात करें तो उसमें कुछ नहीं कटना पिटना है, वो सीधा सीधा तीन दिया है वही रहेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर दो, बी बराबर माइनस सात, सी बराबर तीन, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई? राहुल रूपाली जी गुड मॉर्निंग, सूत्र लगा दो बच्चा। क्या करोगे? सूत्र लगा दो, यहाँ पर नीचे लिखो, यहाँ दिख रहा है ना, लिखो द्विघात, द्विघात समीकरण सूत्र से। तो द्विघात समीकरण का सूत्र वही होता है जो श्रीधराचार्य वाला होता है, आप लोग देखे हो ना, नीचे तो दिख रहा है ना। कोई दिक्कत होगी तो बता देना बच्चा, कोई समस्या होगी तो बता देना। ये फार्मूला होता है यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। नीचे नहीं दिखेगा तो बता देना कमेंट करके कि नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिखेगा तो बता देना, नीचे दिख रहा है कि नहीं। अंजलि पाल जी गुड मॉर्निंग, नीचे नहीं दिखेगा तो बता देना कि हाँ नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है चलो, अब हम क्या करेंगे भाई? सूत्र लगाएंगे। ये मानक रूप में मिटा दूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग जान गए हो, देख लिए हो जो देखने वाले हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है चलो, क्योंकि मुझे सीधा सीधा करके यहाँ लगाना है ना बच्चा। ये लो फार्मूले में मान रख दे मिल करके, बस आपका आंसर आ गया धड़ाधड़ दौड़ के। देखो क्या करोगे, मान रख दो ये यक्स इक्वल, देखो माइनस बी, तो बच्चा माइनस बी क्या है? सात है, और ये माइनस खुद है पहले से, तो इसलिए पहले तो माइनस का चिन्ह लगाओगे ब्रेकेट में माइनस सात, और प्लस माइनस अंडर रूट, सूत्र में देखो बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर मतलब क्या करोगे बच्चा? आप लोग क्या करोगे भाई? बी का स्क्वायर मतलब माइनस सेवन का स्क्वायर, और प्लस फोर ए सी, फोर ए, ए का मान क्या है भाई? दो है, सी का मान तीन है, तो दो गुणा तीन, बस यही है पूरी कहानी, हो गई। आगे बढ़ो, टू ए, ए का मान दो है। आ रहा ना समझ में? कोई डाउट होगा तो बता देना, मैंने मान रख दिए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने मान रख दिए, बाकी कुछ नहीं किए हैं। अब क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, बढ़ लो आगे, फिर कौन रोका है? थोड़ा सा ही बचा है ना, नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट प्रॉब्लम। चलो ठीक है, इंग्लिश भी बोलना सीख लो। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस सात हो जाएगा, प्लस माइनस ये सात सत्ता उनचास हो जाएगा बच्चा, और ये माइनस एक मिनट रुको, तो यार माइनस फोर ए सी सूत्र में होता ना बच्चा, तो ये माइनस रहेगा बाबू। हाँ, चार दूना आठ त्रिक चौबीस, नीचे आएगा चार। इसमें कोई डाउट होगा तो बता देना इतने में। आशीष कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई, यार तुम तो बड़े खतरनाक आदमी हो राहुल रूपाली, तुमको तो मैं ब्लॉक कर दूं तभी अच्छा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ज़रूरी है, क्योंकि तुम ना हमेशा उल्टा ही तो बोलते हो, कभी सीधा थोड़ी बोलते हो। हम खुद देख रहे हैं, हमारे फ़ोन में दिख रहा है, तुमको क्या नहीं दिख रहा है? चलो ये हो गया, अब क्या करोगे? ये सेवन प्लस माइनस उनचास से चौबीस घटाओगे, पच्चीस आएगा, ये फोर, फाइनल में सेवन प्लस माइनस ये पाँच बटा चार आएगा बच्चा। क्या आएगा? पाँच बटा चार। ये थोड़ा लाइन तेजी से खींचना बड़ी सी, देखो अब यहाँ पे समझो, ये लाइन हमेशा बड़ी रहती है, पूरे सूत्र के नीचे रहती है, तो यहाँ पे याद रहे ये लाइन पूरा सात के नीचे तक रहेगी, अगर आप केवल पाँच के नीचे लगाओगे ना तो उत्तर बदल जाएगा इसका, ये बात अपने दिमाग में रखना। अब फाइनल में यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों वैल्यू है ना, यक्स बराबर ये सब आया है,
एक बार प्लस मान ले लोगे, एक बार माइनस, ठीक है? एक बार प्लस ले लोगे बच्चा, एक बार माइनस ले लोगे, दोनों मान आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो इधर कम जगह है तो मैं क्या करूं, इधर साइड में हल करूंगा, इसको मिटा दूंगा। जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखें, ठीक है ना? जो नहीं लिखे हैं इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लें, उनका सब क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बता देना निसंकोच। चलो मैंने वॉइस थोड़ा तेज कर दिया था। अब यहाँ पे आप लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, तो भैया प्लस चिन्ह लोगे बाबू तो 7 + 5/4, ये 12/4=3। तो यक्स का मान क्या आएगा, 3 आएगा ना? कितना आएगा भाई, 3 आएगा ना? आशीष कुमार कितना आएगा, 3 आएगा ना बाबू? अब देखो माइनस चिन्ह लेने पर, लिख दो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लो ना। लेंटर यादव अभी अभी आए हो, जय हिंद जय हिंद, नाम ही आपका खतरनाक है। चलिए यक्स इक्वल 7 - 5/4, फाइनल में आएगा बच्चा ये इतना आएगा, 1/2 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल 3, 1/2 हैं। कितना है, 3, 1/2 हैं। आपका सवाल फाइनल हो गया। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लें भाई, ये क्लियर हो गया। अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से सारी क्लास मिल रही होंगी। अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं डेमो के रूप में या Facebook पे देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि वहाँ पे जो सुविधाएं हैं ना थोड़ा अलग होती हैं YouTube पे, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आई ना सभी को? तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए नोट कर लो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है बच्चा, सभी नोट कर लो, इसे जल्दी से लिख लो। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं दूसरे पे चलूँगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना जानते हो कि नहीं? अगर आप YouTube पे डेमो में हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना सभी को आना चाहिए, ठीक है? आशीष कुमार पाल बच्चा 9th वाले की ना शाम को 7 बजे चलती है इसी चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शाम को 7 बजे चलती है 9th की। तो अब मैं मिटा रहा हूँ, टाइम हो गया ओवर। जो बच्चे नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके लिखें, जो नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके लिखें, फटाफट देर ना करें। चलो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला समीकरण लेके चलेंगे। अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना? चलो अगला समीकरण, अच्छा बताओ कर लोगे कि नहीं? सिंपल सा है, पहले इक्वेशन लिख लो, उसके बाद उसकी कंपेयर कर दो मानक रूप से, ए बी सी के मान आ जाएं, फार्मूले में ला के मान रख दो। चलो दूसरा समीकरण इसमें देखो, आपके बुक में दिया है, लेकिन दूसरा थोड़ा सा इजी है इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा, तो मैं तीसरा करवा देता हूँ, ठीक है? दूसरा आपके लिए होमवर्क है, मैं लिख दे रहा हूँ, देख लो दूसरा पहले लिख लो, तब फिर मैं आगे चलूँगा बाबू। चलो ठीक है, लिखो दूसरा, लिख लो दूसरा, लिख लो तुम लोग भाई, 2x² और ये है प्लस का यक्स माइनस का 4=0। ये होमवर्क है, कर लोगे कि नहीं बताओ? सभी कर लोगे ना? जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से करना, सेम टू सेम कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सभी कर लेंगे। चलिए तो ये होमवर्क कर लेना आप लोग, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तीसरे पे चलता हूँ। तीसरा मुझे बताना है, तीसरे में अंडर रूट लगा है तो इस वजह से कुछ दिक्कत है, ठीक है ना? अमित जी जय हिंद, दीपांशु जी जय हिंद जय हिंद। तो भाई सभी बच्चे समझ गए ना? चलिए तीसरा पे चलो, होमवर्क कर लो तीसरा, मतलब दूसरा होमवर्क कर लो, तीसरा पे चलो। हाँ तीसरा पार्ट है इसमें का,
तीसरा पार्ट लिखो, 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 3 इक्वल 0। इसको क्या करना बच्चा, इसको हमें सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। अब ध्यान देना आप लोग कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग कैसे करोगे। चलो प्यार से देखो, इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लिखो, लिखो कैसे लिखोगे, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर। तुलना करना मैंने अभी फर्स्ट में बता दिया था, तुलना करोगे a का वैल्यू 4 आएगा, b का वैल्यू 4 इंटू अंडर रूट 3, c का वैल्यू 3 आएगा। जिन बच्चों को तुलना करना नहीं आता है वो पीछे देख लें, पीछे उनका सब क्लियर हो जाएगा। बच्चा अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में सब बता दिया था, अब क्या करोगे, तुलना तो हो गई, अब नीचे लिखो द्विघात समीकरण के सूत्र से, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण सूत्र से, आप श्रीधराचार्य सूत्र भी जान सकते हो, इसे मान सकते हो, यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये क्या है बच्चा, आपका फार्मूला है, क्या है ये बेटा, सूत्र है ना, समझ रहे हो ना इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना हो गया। आशीष कश्यप जी गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप। ये क्लास हर दिन सुबह 8 बजे होती है, आज सिर्फ 10 बजे हो रही, हर रोज़ सुबह 8 बजे से। देखो बहुत सिंपल सा है, मुसीबत आ गई लई वाली। अच्छा तो संयोग से ये इसी से चल रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, जाने दो, चलो ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा लाइट कम हो गई होगी, ना लाइट चली गई। अब देखो जो मान आए हैं इसमें लाके फुट कर दो, रख दो मानों को। मान रखोगे x इक्वल माइनस बी, भाई माइनस बी, बी की जगह पे आप 4 इंटू अंडर रूट 3 रखोगे तो माइनस ये इतना हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, भाई बी का स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी का स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे बच्चा, बी के स्क्वायर की जगह पे आप लोग रख दोगे ये फलाने जो दिए हैं ना, पहले इनको ऐसे बना लो, बी का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 4 एक जैसे लिख देते हैं हर जगह, ए का मान कितना है भाई, दीपांशु जी बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बी का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बी है ना, हाँ सिर्फ बी है, ओनली बी है। तो अब क्या करोगे जरा ध्यान से देखो, ए और सी का मान रखोगे, ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, ये चीज़ तो आपको पता है, ये लो रख दिया मैंने नीचे 2a, a का मान 4 है, कितना बच्चा 4 है ना। किसी को कोई डाउट होगा तो निसंकोच बता देना, थोड़ा सा लाइट कम है इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी सी असुविधा हो रही, सुबह से ही हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, चले आगे। तो चलो ठीक है, मान रख देते हैं, भाई दीपांशु जी का उत्तर भी आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो मैं लाइट तेज करवा रहा हूँ थोड़ा सा, ये माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा यार, निकाल क्या बड़ा है, लगा के देखो दबा के, नहीं लगेगा, रहने दो, अच्छा बस लग गया, बस हाँ लग तो रहा है,
दूसरे में लगाओ, दूसरा उसको निकाल, दूसरे में लगा दो, एक और खाली है ना एक पोर्ट, हाँ उसको बंद कर दो, दूसरी वाली वही बटन से, बगल वाली बटन लाल वाली में, हाँ बस। तो चलो भैया देखो थोड़ा सा दिक्कत हो गई यार लाइट की वजह से, ठीक है अमित कुमार जी बिल्कुल भाई, बार बार ना कमेंट करो एक ही बात को। हाँ तो लाइट की थोड़ा दिक्कत थी इस वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए। तो अब देखो फोर यहाँ पे समझो, 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब समझो पहले आप लोग, इसका स्क्वायर का मतलब ये हुआ ना बच्चा कि 4√3 और ये 4√3, इसका मतलब ये हुआ। इसे थोड़ा हम डिस्क्राइब करें तो आप 4 को इकट्ठा कर सकते हो, गुणांक है, और ये √3 गुणा √3 कर सकते हो। इस तरह से बच्चा आपका ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फाइनल में 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना, ठीक है। आप समझ गए कि नहीं? ये चीज़ स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 48। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 48 − 4 × 16 = 48। ये आप समझ गए कि नहीं? किसी के मन में कोई डाउट है तो बता देना, कोई भी डाउट है तो बता देना भाई। चलो तो ये 48 हो गया, अब हम नीचे हल करते हैं। देखो थोड़ा सा लाइट कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नए छात्र जुड़े हैं वो ध्यान देंगे। वैसे इतना कम भी नहीं है कि कोई दिक्कत हो, सब ठीक है। तो बच्चा ये नीचे आपका ये 4 × 2 = 8 आएगा, और फाइनल में आप अगर देखोगे तो ये −4√3/8 आएगा। बस क्यों 8 आएगा? क्योंकि ये घटेगा 48, 48 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। ऋषभ वर्मा जी बताइए, अभी अभी जुड़े हो ना आप, तो इस तरह से आपका ये इतना आ जाएगा फाइनल में। आप इसे काम कर सकते हो, काट सकते हो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। इसे आप फाइनल में कह सकते हो कि −√3/2 आएगा। कितना आएगा बच्चा? −√3/2, है ना। बात समझ में आई ना? नहीं समझ में आएगा बता देना। ये गुणा में है, ये 4 जो है इसके साथ गुणा में होता है, तो ये √3/2 आएगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो द्विघात समीकरण था, इसके तो आपके एक ही मूल आ रहे हैं, तो भाई 2 मूल आने चाहिए कम से कम ना, द्विघात समीकरण है तो। बिल्कुल द्विघात समीकरण है तो 2 मूल इसके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। वो कौन सी चीज़ है मैं बता रहा हूँ। देखो जब आप सूत्र से हल कर रहे हो, और सूत्र से हल करते समय अंडर रूट के अंदर वाला जो पद है सब शून्य हो जाए, सब जीरो हो जाए, ठीक है, सब जीरो हो जाए, तो ऐसे स्थिति में जो मूल होता है एक समान होता है, यानी यक्स बराबर क्या होगा? −√3/2, और दूसरा मूल भी यही होगा, ठीक है। बिल्कुल दीपांशु जी आप समझ रहे हो, मतलब ये इसके दोनों मूल एक समान होंगे। ऐसा कब होता है? जब आप फार्मूला यूज करके हल कर रहे हो और उस समय अंडर रूट के अंदर वाला सब जीरो आ जाए, तो उसके जो मूल होते हैं वो दोनों एक समान होते हैं। इतना लिख लो जिनको भी लिखना है फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया ना क्लियर? आगे चलें। देखो बच्चा आप लोग मोबाइल को ऐसे घुमा के देखा करो तो आपके पूरे स्क्रीन पे दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए साइड में थोड़ा कटेगा अलग बात है, बाकी दिखेगा पूरा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जो बच्चे लिखना चाहें जल्दी फिर लिख लें, वैसे लिख तो नहीं पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना नहीं जानते तो बता दो, और अमित कुमार आप अपना ईमेल आईडी बदल लो, कुछ भी कर लो, या नाम में थोड़ा बदलाव कर लो, क्योंकि आपका कमेंट बार बार हाइड हो जा रहा है, तो हम बार बार उसे शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हो सकता है आपका कमेंट ना दिखे। तो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख नहीं पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड हो गए, एक्सरसाइज है आपका 4.3, और 4.3 में बच्चा आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको पता है? 4.3 में ये क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा है। दूसरा का कौन सा पार्ट है ये? अरे वही सब है यार, तीसरा पार्ट है, तीसरा हो गया, चौथा कर लो अब। चलो कौन सा करोगे अब? चौथा पार्ट कर लो बच्चा, लो चलो चौथा पार्ट का कहता है 2x² + x + 4। 2x² + x
ये भी होमवर्क है, कर लोगे कि नहीं होमवर्क में बोलो, होमवर्क कर लोगे ना? कोई डाउट होगा तो बता देना भाई। आशीष कश्यप जी आ रहा ना समझ में? आ रहा ना? तो आ रहा बच्चा, तो फिर काहे को देरी, कर लो सभी फटाफट। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसका होमवर्क कर लेना। आपका ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। देखो ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है क्लास को शेयर तो करते नहीं हो ज़्यादा, हाँ ज़्यादा शेयर नहीं करते, दूसरा नंबर ज़्यादा व्यू नहीं आता, क्लास बड़ी हो जाती तो बच्चे देखते नहीं हैं। तो ये क्लास आप सुबह 8 बजे देखिए, अपने साथियों के साथ देखिए, सभी मित्रों के साथ देखिए, जिससे कि क्लास बड़ी चल सके, ठीक है? इसके लिए आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऊपर देखो आपको नंबर दिया गया है, इस पर आप अपना नाम, क्लास का नाम और अपने शहर का नाम अगर लिख के भेज दोगे तो आपको क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में बताओगे तो जोड़ दिया जाएगा, बोल दोगे तो फिर आपको सारी क्लास मिल जाएगी, मतलब हर दिन आपको लिंक मिल जाएगी क्लास की, आप देख पाओगे। कोई प्रकार का डाउट है आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हो इस नंबर पे, क्लास के बारे में सवाल के लिए नहीं, क्योंकि ये फ़ोन कॉल हमेशा हम तो उठा नहीं पाते हैं, कोई भी उठाता है तो आपको सवाल नहीं बताएगा। हाँ, क्लास कब चल रही, कौन सी क्लास नहीं मिली है, इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में आपको सवाल जो भी पूछना रहेगा उसका आंसर मिलेगा, वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बता दो। फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल सुबह 8 बजे से आना सभी बच्चे। जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।